ट से बहुत कुछ सीखना है टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए मैं uh, definitely, मैं इनडायरेक्टली आपसे थोड़ी सी मेंटरिंग ले रहा हूँ आर्टिस्टिक मेंटरिंग पर आपके दिल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी कॉमेडी निकल के कैसे आती है तो uh, जैसे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप स्टेज के उस पार चले जाते हो मुझे एक छोटी सी वैसी एक्सरसाइज कर रही है आपकी इजाजत के साथ जी बिल्कुल बोलिए तो ये हमारी एक स्क्रीन है जी यहाँ मैं आपके थोड़े से कुछ मीम्स प्ले करूंगा जी और सीन्स प्ले करूंगा मुझे पता भी नहीं हम क्या बातें करेंगे बट बस आपके साथ देखने हो सीन्स प्लीज दिखाइए कोई okay. जब लोगों को दुख होता है ना आजकल तब जी। राजपाल यादव मीम टाइप करते हैं सर्च बार पे फिर अपने दुख को भूल जाते हैं आपने कभी ये किया ये तो नहीं, <laughs> नहीं पर आप ऐसे करते हो कि राजपाल यादव या राजपाल यादव कॉमेडी सीन्स नहीं सब सब दोस्त वगैरह और सब आपके सामने करते वो है। वो दिखा देते हैं आपको शर्म फील होती है ये सब करके क्योंकि अक्सर अगर कोई <laughs> मुझे मेरे खुद के वीडियोस दिखा तो मुझे बहुत शर्म फील होती है तो मैं बस आपके आर्टिस्टिक माइंड को जानने की नहीं मुझे वो याद आता है कि ये जो जो आपने ये दिखाया ना मुझे <laughs> अगर आप देखो कि पहले तो शौक और फिर क्या अच्छा हुआ कि मतलब ये तो बोल रहा है नहीं ये बोल क्यों रहा है ये तो गूंगा था ना और फिर इसने मुझे मूर्ख बनाया और फिर वो थी मैं हंसू की रो <laughs> ये, ये जो इमोशन है ना जी इसका इतना लोगों ने यूज किया है लेकिन मेरे जीवन का ये ऐसा आ, ये स्पेशली इतनी सारी फिल्में जितनी भी हो गई डेढ़ सौ हो गई दो सौ हो गई जो भी लेकिन ये अकेला एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें मुझसे प्रियन जी ने कहा था कि जब पहली बार ये पता लगे कि शाहिद कुछ बोले और शाहिद ने कुछ बोला है तो ना ये बेचारा फिशरमैन है तो ये इतना बड़ा तो समझदार है नहीं तो ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि शौक लगा धोखे से हंसी आ गई हंसी लगा गलत है गुस्सा करूं फिर कंफ्यूज हो गया कि इसमें गुस्सा करूं या या हंसूं हाँ। तो चार एक्सप्रेशन वन टू थ्री फोर हाँ तो वो मैंने अकेले में ये एक्सप्रेशन कई बार किया लेकिन इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाया क्योंकि वो वन टू थ्री फोर तो उसमें पहले में शौक और फिर ये लगे कि इसको याद नहीं रहा और इसको हंसी आ गई या इसको नहीं नहीं हंसी ठीक नहीं है इमोशन कुछ और है तो जो खुद इमोशन देने में कंफ्यूज हो जाए वो चार एक्सप्रेशन चाहिए और वो खैर पहले टेक में हो गए थे और टच बोर्ड फिर मैंने अकेले में कई बार ये करने की कोशिश की लेकिन मुझसे हुए नहीं फिर बाद में तो फिर टेक कैसे हुआ टेक तो हो गया था क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी थी वही तैयारी कि कि आप देखो इसमें चार इमोशन हैं ठीक और शो है ना, नेक्स्ट वन अभी ये क्या हो रहा है यहाँ मुझे सब आता है मैं एक्सपर्ट हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ <laughs> ये बहुत बड़ा मीम बन चुका है हाँ <laughs> Okay. अच्छा ये उस समय कर गया था लेकिन जब हमने मीम में कई बार देखा आ? तो मुझे लगा कि यार <laughs> ये उस समय बोलते हैं ना कि शूटिंग के दौरान कुछ एक्सप्रेशन है ऐसा जो मुझे भी अच्छा लगा ठीक है नेक्स्ट मुझे सब आता है मैं एक्सपर्ट हूँ मैं इसे सब सिखा दूँगा <laughs> <laughs> आपके दिमाग में पहल... क्या चल रहा था सर ए... बॉडी लैंग्वेज जेनरेट करने के लिए हाँ की लड़की अगर पहलवान है तो ये उठा के पटकेगी भी तो कोई समस्या नहीं है <laughs> <laughs> बस मतलब डाउन <keep> <laughs> 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 कैसा फील होता है सब देख ये ये कैरेक्टर ऐसा था ये कैरेक्टर ऐसा था कि जो मतलब प्रियन जी जाने उन्होंने कैसे की लेकिन प्रियन जी ने ये कैरेक्टर जिस दिन दिया था बोले राजपाल ये कैरेक्टर आपको बहुत प्यार मिलेगा देश दुनिया से ये बात है और बोले कि हर सीन एक क्राफ्ट है और कहानी का है तो आई थिंक वो धीरे से जो प्रियन जी ने कैरी करवाया वो आपके और... लिए कैरेक्टर्स लिखते थे वो उनकी फिल्मों का जो एंटरटेनिंग फिल्में उन्होंने बनाई हैं तो वो उनके परेश जी हों या राजपाल हों या अक्षय जी हों या सुनील अन्ना हों या मनोज जोशी हों या और भी बहुत सारे जितने भी एक्टर असरानी जी से लेके तो वो प्रॉपर उनके दिमाग में पूरा क्राफ्ट हर कैरेक्टर को लेके होता था सब एक्टर को ले okay. और इसमें प्रियन जी का ही ज़्यादा धमाल है ये मतलब पर पर मतलब आपको ध्यान में रख कर कैरेक्टर स्क्रिप्ट करते थे आई एम श्योर उनके एक सेट ऑफ एक्टर्स होते थे आई थिंक वो पहले कहानी एंटरटेनिंग चुनते थे चाहे माला माल बिकली हो चाहे ढोल हो चाहे वो चुपचुप -चुप के हो चाहे हंगामा हो जी और उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब फिल्म के किस किस कोने पे कौन सा एक्टर कहाँ फिट होता है तो कभी किसी फिल्म में किसी बड़े एक्टर के छः सीन और किसी फिल्म में छत्तीस सीन तो मतलब लेकिन वो कहानी के किस कोने में फिट है ये ये प्रियन जी हमेशा ध्यान रखते थे ये ये केमिस्ट्री सर <laughs> आप दोनों के बीच एनर्जी क्या थी ये हमारा एक्चुअली इस तरीके का ही रिश्ता है मतलब एक दूसरे को क्योंकि बहुत प्यारी रिलेशनशिप है इस तरीके क्योंकि कुछ एक दूसरे से एफर्टलेस जो जो भी सीन जीते हैं और जी। जितने जिए जी तो हमेशा एफर्टलेस कोई बीच में ये भूल जाते हैं दो एक्टर काम कर रहे हैं हमेशा लगा कि दो दोस्त दोस्त या दो मतलब कला के स्टूडेंट्स और कुछ अच्छा करने कोशिश कर रहे हैं तो वो वो कई सारी फिल्मों में अलग अलग वो केमिस्ट्री निकल के भी आई है हमारी उन्हें कभी दुखी देखा आपने मैंने अक्षय कुमार को कभी दुखी नहीं देखा मतलब शायद में दुख है ही नहीं ऐसा मुझे लगता नहीं सी गंभीर रहते हैं गंभीर तो देखा और हंसी मजाक भी करते हुए देखा लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर दुखी लगने से दुखी दुख निकलना नहीं है और हंसी हंसने से जो है वो फ़ायदा ही फायदा है तो मैंने दुखी उखी तो नहीं देखा क्योंकि मैं खुद दुखी दिखाने की कोशिश से बचता हूँ और सेट पे क्या दुख जो कर्म है उसको बेहतरीन तरीके से जिए हंसते खेलते हुए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट <laughs> 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 वो सच में मारते थे <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं मारते नहीं थे सेफेस्ट मतलब आज तक जितनी मैंने एक्शन की है आ, मतलब ही इज द सेफेस्ट गाय मतलब कभी भी आ, एक अक्षय एक भाई सुनील भाई ये सब लोग जिन लोगों से काम किया तो हमेशा एक्शन में कभी मतलब हमेशा चोट से हमेशा बचे और हमेशा ज्यादातर सब कॉमिक को एक्शन ही फिल्में की हैं ज्यादातर देखा सबके क्लाइमेक्स सब कहीं कोई लटका है कहीं कोई लेकिन टच मेरी आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस फॉर मी इस वक्त अरे हाँ, वो एक अलग वो कम लोग बात करते हैं जी जी और ये पता मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस क्यों क्यों है क्योंकि ये शायद मेरी लास्ट फिल्म थी जो मैंने मेरे दादाजी के साथ थिएटर में देखी तो उन्हें ये वाली सीन बहुत अच्छी लगी मतलब जब भी टीवी पर भी चलती थी यूज्ड टू वेट फॉर योर अपीयरेंस ये नट्टू भाई है याना जैसे मतलब आपकी क्यूटनेस फैल जाती है स्क्रीन पर क्यूटनेस और ह्यूमिलिटी इसे लोग आपको चाहते थे इसमें एक सीन आपने इसमें एक सीन है जी आ, कि ये विपुल भाई का एयरपोर्ट एयरपोर्ट हाँ वक्त एयरपोर्ट हाँ वो वो सीन जब मैंने देखा तो वो एक ऐसी सिचुएशन की मुझे भी जब जब देखा तो बहुत हाँ, हाँ, ही, ही। और, ऐसे फिल्में क्यों नहीं बनती सर हाँ, ये पता ही नहीं कैसे अच्छा ये भूल 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 आप ये याद है क्या हो रहा था आपके दिमाग में भूल भुलैया के वक्त नहीं ये सब कैरेक्टर की यादें ताजा हो जाती हैं जो इस प्रोसेस में जब कर रहे थे तो आज इतने साल बाद में ये कैरेक्टर अब बच्चे जो आज के हैं और सबकी सबको जितने उस समय सुपरहिट थे जब रिलीज हुए थे ये कैरेक्टर और आज भी ये मीम की वजह से और दस गुना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गए तो आई थिंक इससे ज़्यादा एक एक्टर का क्या सौभाग्य होता है दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए रेल शो